Okay, so there is a fire brigade in that building. I think disinfectant ho raha hai because of coronavirus. Okay, so I'm not sure कि सिर्फ मेरे बिल्डिंग में क्यों हो रहा है, वो पता करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि हमारे बिल्डिंग में कोई पॉजिटिव केस आया हो. लेट मी सी. आई थिंक वो सामने वाली बिल्डिंग में भी जाने वाला है बिकॉज यहाँ पे सारे गेट्स एंड हर जगह को डिसइंफेक्टेंट किया गया है. अभी तक तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है बिल्डिंग का, उसमें कोई ऐसा मैसेज नोटिफिकेशन तो आया नहीं है. आई थिंक वहाँ भी जा रहा है. सो या TMC is doing a great job इसको control करने में. Okay, so it's perfect lighting अच्छी आ रही. Hey guys, what's up? Welcome back to another video, episode number 64. तो कैसे जा रहा आप लोग का? 21 दिनों का lockdown. आज है 31st of March. दो वीक और बाकी, एग्जैक्टली 14 डेज़. आई होप कि 14 डेज़ में ये सब ख़त्म हो जाए. तो आप लोग क्या कर रहे हो फिर इस लॉकडाउन में? तो एनी वे, आपने हमारा पूरा लास्ट वीडियो देखा है कि नहीं, जिसमें हमने सजेस्ट किया था कुछ मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ देखने के लिए इस लॉकडाउन में. तो अगर देखा है तो डू कॉमेंट बिलो. एनी वे, तो अभी इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग कुछ चैलेंजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लाइक डांस चैलेंज और अंताक्षरी चैलेंज, टैग चैलेंज, फोटो चैलेंज, काफ़ी अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं. तो एक चैलेंज मैंने देखा, दैट इज़ कॉल्ड डेलोना कॉफ़ी चैलेंज, जिसमें लोग डेलोना कॉफ़ी बना बना के पोस्ट कर रहे हैं. एंड वो, और मुझे कॉफ़ी काफ़ी पसंद है एंड आई जस्ट लव कॉफ़ी. एंड मैंने पहले भी कॉफ़ी बनाया है डेलोना कॉफ़ी, बट मुझे नाम नहीं पता था. आई थॉट कि व्हाई नॉट, चलो मैं एक वीडियो में बनाता हूँ. एंड यू नो, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट्स ऑसम कॉफ़ी, बहुत ईजिली घर पे बन जाता है. जस्ट नॉर्मल कॉफ़ी नीड्स शुगर. सो चलो लेट्स स्टार्ट दिस डेलोना कॉफ़ी चैलेंज. ओके, सो डेलोना कॉफ़ी बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, शुगर, कॉफ़ी और गर्म पानी. गर्म पानी मैंने गर्म करके अंदर रखा है केटल में. एंड इसमें ट्रिक ये है कि जो भी चीज़ें सब इक्वल क्वान्टिटी में डालना है, मतलब इक्वल रेशियो में. सो पहले इसमें डालते हैं 2 चम्मच कॉफ़ी, चम्मच चीनी, गरम पानी, उसको मैं लेकर आता हूँ. फाइनल स्टेप है कि सारे मिक्सचर को मिक्स करना. मेरे पास तो ये है, यू कैन यूज़ चम्मच ऑल्सो, बट इससे ईजिली हो जाता, नहीं तो उससे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स लगेगा चम्मच से मिक्स करने में. मैंने उसको मिक्स करना है, इसे मे बी 5 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए. इसको मिक्स करते रहना जब तक ये पूरी तरह से फ्रॉथ नहीं जम जाए, थिक नहीं हो जाए. सो ऑलमोस्ट थिक हो चुका है ये ऐसा, कोई कि आराम से गिरे नहीं. ओके, सो बहुत गर्मी मुंबई में, से मुझे पसीना पसीना हो रहा है. मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा बिकॉज नहीं तो काफ़ी नॉइज़ आता है. सो फाइनल स्टेप है कोल्ड मिल्क में इसको ऊपर से डालना है. एंड आई होप कि मिक्स नहीं होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट चैलेंज होगा. नहीं तो आई होप कि नहीं मिक्स होना चाहिए. ओके, आई थिंक मुझे और थोड़ा सा, मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी डाला था, सबका 2 चम्मच. आई थिंक और 1 चम्मच. ओके, सो दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. और अगर मैं थोड़ा सा और मिक्स करता तो ऊपर तक आता, तब और अच्छा लगता. मनी, ट्राई दिस एंड लेट मी नो कि कैसा बना है मेरा कॉफ़ी चैलेंज. कॉफ़ी चैलेंज कैसा बना है? डेलोना कॉफ़ी चैलेंज, टेस्ट कैसा है? पहले टेस्ट करके बताओ. बहुत यम्मी लग रहा है. इसे मिक्स कर दूँ ना? मिक्स नहीं करना था, बट स्टिल टेस्ट. चम्मच एक बार पी के देखो कैसा है. बहुत स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग है. चम्मच में सिर्फ कॉफ़ी आ रहा है. तो मिक्स कर दो फिर.
नाइस नाइस मतलब सही में नाइस किया सही सही में नाइस ओके सो मेरा चैलेंज सक्सेसफुल है एंड गाइस डू ट्राई दिस रेसिपी अगर आपको कोल्ड कॉफी पसंद है या हॉट कॉफी पसंद है तब भी ट्राई करना सही में अच्छा है या फिर अरे हाँ सही में अच्छा है ओके सही में अच्छा तो लेट मी एक बार होल्ड करो कैमरा मैं देखता हूँ कैसा है गाइस इट्स रियली नाइस एक्चुअली मैं अच्छा बना है ये एंड एनी थिंग अबाउट लॉकडाउन कैसा लग रहा है घर से काम करने में बहुत खराब लग रहा है मैं घर से काम करना अच्छा है बट मैं बोर हो गई दिस इज सो बैड या गाइस आई होप यू नो मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है क्योंकि ट्रैफिक में बाहर जाना कभी कभी बट अभी कुछ ज़्यादा हो गया इट्स बीन एग्जैक्टली लाइक टू वीक्स से मैं घर से काम कर रहा हूँ घर से निकल नहीं रहा बस एक दो बार अभी तक निकला हूँ जस्ट कुछ एसेंशियल्स लेने के लिए आई होप ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए प्लीज़ प्लीज़ भगवान जल्दी से सब ख़त्म कर दो सो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो संजय गांधी नेशनल पार्क का पार्ट है अभी सनसेट होने वाला है शाम की 5:30 हो रहा है अगर यहाँ पे बालकनी होती ना तो इतना अच्छा रहता ना यहाँ से एकदम मस्त हवा आती है घर के अंदर तो गर्मी लगती है बट यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड चलो गाइस इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं बी सेफ आई होप ये कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए बार बार हाथ धो बाहर मत जाओ एंड यू नो गवर्नमेंट जो भी बोल रहा है हमको लॉकडाउन में रहना है उसको फॉलो करो एंड अगर कोई जा रहा है तो उसे समझाओ कि ये क्यों ज़रूरी है घर पे रहना ताकि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक सकें एंड चलो अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन बाय बाय टेक केयर बी सेफ एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ एज यूजुअल एंड लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज कैप्टन ट्यूबर एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय टेक केयर बाय